मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमें क्लास सेवेन पार्ट टू इंग्लिश विषय पढ़ेगा। आई वुड लाइक टू बी जोटा रही पार्ट टू रे लेसन वन क्लास सेवेन। पार्ट टू लेसन वन आई वुड लाइक टू बी टिल आई रिच द स्काई। आउ गोटे कथा भी से कही टिल
टेल रो अर्थ हो जाके टेल बा अंटिल जोडा आमी पढी थिले टेल रो अर्थ हो जे जेड पर्यंत टेल माने जेड पर्यंत सेम कथा कहि जंदी टेल आई रीच द स्काई जे पर्यंत मु आकाश रे न पहुंच एटा गोटे कविंदर गोटे वर्णना केवल गोटे एक्सप्लेन से करछन किंतु प्रकृत रे कोन से आकाश रे पहुंच पारिबे कोनसी लोक जत्ते डेंगले भी गच्छर गच्छ मानकर डेंग छि किंतु आकाश रे पहुंच पर इमेजिन करछन जे आकाश रे त से पहुंच पारिबे नै किंतु एठी गोटे कविंदर वर्णना एपर्यंत मु आकाश रे न पहुंचि थी टिल आई रीच द स्काई एपर्यंत आई एम जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच मु कम करबी ना डाळरो डाळ डिया मारबी आ गोटे कथा कहि जन जेठी प्लेइंग एंड स्किपिंग ऑल डे लॉन्ग तेणु मानकड़ जीवन मान तो सब जानी थी मानकड़ मान जो दल दल होती गचरू गच डिंती से खेलती स्कीपिंग करती जंपिंग करती किंतु सेमानकर जीवन हूँ गोटे बहुत फ्री लाइफ जहाँ कौन मुक्त जीवन आ मुक्त जीवन कौन सी बॉर्डर नहीं कई कहवाक नहीं पाइले खाइले एवं गोटे मुक्त जीवन बचिले फ्री लाइफ जोटा कौन फ्रीडम बचिले तेनाली प्लेइंग एंड स्किपिंग स्किपिंग अर्थ रखी जंगल
ବାଘମାନଙ୍କ ବହୁତ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ରୋମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଘୁରି ବୁଲିବି। Laying in sunlight all day long, laying, L-Y-I-N-G, L-Y-I-N-G, laying or touching, straight away. The booty straight away that she person got to be, now laying in sunlight, Surya Kiranare, she straight away, Kavali, now, but here back away. Laying in sunlight all day long अर्थ होची दिन सारा बाघर कार्य कौन ना दिन सारा सी सोई रहे राति रे तार शिकार खोजिबारे से व्यस्त रहे राति रे खाई सारा परे दिन सारा हजम हवा पाई से कौन करे ना सनलाइट रे सोई रहे आ हजम हे गला परे पुनी राति रे तार शिकार पाई बाहे त एटा होची गोटे बाघर नित्यदिनिया रुटीन तेणु से कथा चाहते इन सनलाइट ऑल डे लॉन्ग दिन सारा कौन करी ना सूर्य किरण में शो रही वार्म एंड फास्ट आसे वार्म अर्थ हो कौन वार्म अर्थ हो उष्णता उष्णता उष्णतार अर्थ हो कौन ना सनलाइट में शोवा द्वारा कौन हम ना तार बॉडी टा किसी सूर्य किरण पाएगी सी उष्ण टाइम में जाकर हम कहूँ जैसे तब बॉडी टाइम तो बड़ा ठंडा ही है कि बॉडी के सनलाइट वाजी के सेटा तब उसे टा उष्ण तक प्रदान करियो वार मैंने फास्ट आस्ते जहाँ तो रहा से फास्ट आस्ते जब हम कहूँ जो गोभीरों निद्रा रे फास्ट आस्ते गोभीरों निद्रा रे सोई जुए गभीर निद्रा रे सोई जीव केतबेले ना जेतबेले जा देह सूर्य किरण फल करिवो बा पडिवो से आराम से केत राति रे खाई देथिवो ते दिन सारा काम करिवो ना केवल सोई बारे व्यस्त रहिवो एवं पूरी हजम हेले पूरी राति की शिकार पे बाहरिवो सर्चिंग ऑल नाइट थ्रू सर्चिंग रो अर्थ होउची खोजिबा सर्चिंग ऑल नाइट रोड तो कौन ना राति सारा कौन खोजी बोलिबो ना तार खाद्य से खोजी बोलिबो सर्चिंग ऑल नाइट थ्रू तो दिन सारा सूर्य किरण रे सोई रहिबो राति जेंदे हो से तार खाद्य खोजी बारे निजे को व्यस्त रखियो कोनी कवि एठारे शेष लाइन दिटा रे तमाम पुणि थे से प्रश्न पचार आईड लाइक टू बी ए टाइगर मुझे गोटे बाघ हो चाहे ह्वाट अबाउट यू तेणु तुम मान विषय तुम सब कह तुम कौन हाँ भविष्य में पसंद कर जन्म मिले तुम कौन हवाक चाहे तेनालीटा आम कवितार भावार्थटा तो आम बुझे तेणु आम बर्तमान से क्वेश्चन गुड़िक सब डिस्कस करवा ଭାବାର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷିବା ଏବଂ ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ଆର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫଲୋ ଅପ୍ ଲେସନ୍ ରହିଛି କାରଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଲେସନ୍ଟା ଆଇଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ହୋୟାର ଉଡ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ତ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର
प्रथम आमे कंप्रेंशन क्वेश्चन दि जिवा फर्स्ट हमर अछि वेयर आर विद क्लाइंट वेयर अर्थ हो जे केउ थारे वुड इट क्लाइंट है केउ थारे चढ़िबो ए माने के ना एठी आमे फर्स्ट स्टैंड रे पढिथले के कवि एठारे कोन हबाक चाहिथले ना गुटी टाइगर गुटी मंकी हबाक चाहिथले त मंकी एटा केवल से मंकी विषय रे ही देछि जे वेयर वुड इट क्लाइंट है केउ थारे चढ़िबो ना इट वुड क्लाइंट वुड चढ़िबो ना ए ट्री गुटी गच्छ रे आंसर चढ़ यह क्यों थारे डेइबो ना क्यों ठीक डेइबो हमें जोटा के हमें पढ़ी ले जैसे ब्रांच टू ब्रांच डेइबो लिखना सही लग रहा है आईडी मेंशन करी रहा इट वुड जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच इट वुड जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच मतलब डालरो डालर से डेइबो ये ना आईडी हमारे जो फर्स्ट आंसर हमें पढ़ी ले जे द पोएट वुड लाइक टू बी ए मंकी मंकी रो विषय रे हमरा एटा ये फर्स्ट थ्री क्वेश्चन सेट टू रिलेटेड है जी और सेकंड जो आछी ता पर क्वेश्चन उडी को से होची टाइगर रिलेटेड है एटा हमर थर्ड क्वेश्चन भी से मंकी रो रिलेटेड आछी व्हाट वुड इट डू ऑल डे लॉन्ग व्हाट वुड इट डू व्हाट वुड इट डू ऑल डे लॉन्ग ऑल डे लॉन्ग रो अर्थ होची दिन सारा व्हाट वुड इट डू से दिन सारा कोन करियो मानकड़ विषय हम एटी पढ़िले जैसे दिन सारा कोन करियो चाहि छी ना इट वुड प्ले कोन इट वुड आंसर कला वाला इट वुड हेजो इट वुड प्ले स्किप डांस एंड ईट ऑल डे लॉन्ग जहा जहा हम पढ़िथिले जैसे दिन सारा कोन कोन करियो ना इट वुड प्ले हम आगले किला प्ले अर्थ हो जे खेलिबो स्किप स्पीड रो अर्थ होचे दौड़ी डियां खेल जोटा कि हमरो आउ डांस नाचिबो एंड ईट आउ खाइबो ऑल डे लॉन्ग दिन सारा से सब एही काम करिबो तापर गला ईट द चाइल्ड वेयर ए टाइगर तापर जो रिलेटेड क्वेश्चन गुडी का आछि सब बाघ ऊपर आछि यदि से बाघ हवा चाहिबो त कोन करिबो वेयर वुड इट मूव अबाउट फोर्थ क्वेश्चन गला वेयर वुड इट Where would it move about? Move about र अर्थ होची गति करिवो बा घुरी बुलिवो जेटा के हमें पढ़ीथले रोम भी पढ़ीथले तार आउते अर्थ सेटा एक देची होया टू इट मूव अबाउट से केउ थारे घुरी बुलिवो हम जोटा पढ़ीथले से डीप जंगल रे बा गभीर जंगल रे से घुरी बुलिवो बोली हमें पढ़ीथले जोटा टाइगर विषय रे तनामे आंसर लिखला बे सेंते हमरा इट वुड मूव अबाउट द डीप जंगल इट वुड मूव अबाउट द डीप जंगल या गभीर जंगल रे कोन करिवो ना घुरी बुलियो नेक्स्ट क्वेश्चन तबरे आछि व्हाट वुड इट डू ऑल डे लॉन्ग व्हाट वुड इट डू ऑल डे लॉन्ग इटा गोटे आमर मंकी विषय भी थी लाइक क्वेश्चन ना तार आंसर भी आमे लिखिले या कोन कोन करियो मंकी वर्तमान आमे टाइगर विषय लिखिबा एहा दिन सारा कोन करियो ना इटा विषय जे आंसर लिखला बे इट वुड ले इन द सनलाइट ऑल डे लॉन्ग लाइन आ आमे लिखिबा नाही लाइन रो अर्थ होजी जोटा के आमर प्रोग्रेसिव रे यूज होए किंतु एटीएम सिंपल रे रखिरा आंसर ताको हम सिंपल रे रखिरा प्रेजेंट सिंपल जे दिन सारा कोन करिवो देख कोन करिवो रो अर्थ जो दे दे छी से हमें
भर्ब गुड़िक सब सिंपल रखा आईएनजी जोग करना ना आईएनजी जोग कले आंसर टी भूल तेनालीरु कौन कर ले इन द सनलाइट लेइंग इन द सनलाइट आम लिखा ना ले इन द सनलाइट सोई रहिबो कोठी ना सूर्य किरण रे सोई रहिबो ऑल डे लॉन्ग दिन सारा से कौन कर सूर्य किरण रे सोई रहिबो नंबर 6 दला व्हेन वुड इट सर्च फॉर फूड व्हेन वुड इट सर्च फॉर फूड सर्च रा अर्थ आम पढ़ी खोजा व्हेन वुड इट सर्च फॉर फूड यह खाद्य खाद्य केते अर्थ से दिन सारा सोई रही बाघर कार्य डेली रुटीन से दिन सारा से जहाँ खाई से हजम कर समय टाइम दिन बेला रात से घूरी बुल तार खाद्य खोजा कौटी घूरी बुल केत सर्च फॉर फूड इट वुड सर्च फॉर फूड थ्रो आउट नाइट थ्रो आउट तमाम बा सारा नाइट अर्थ हूँ रात दिन रात तमाम से कौन कर सर्च फॉर फूड बा खाद्य खोजे व्यस्त रही तापर हमर एमसीक्यू क्वेश्चन रही जोटा कि हमर एमसीक्यू देखा एमसीक्यू क्वेश्चन 21 पेज हमें समस्त बाहर करिबा 21 पेज रे हमर पेज रे दैछि एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पीक द करेक्ट अल्टरनेटिव एथि केतरा ऑप्शन भी दैछि क्वेश्चन देगी द चाइल्ड विशेस टू बी पिलाटी बा इच्छा करैछि एक चारटा ऑप्शन दे छी कोन हेबा पई इच्छा कर छी ना ए लायन ए टाइगर ए मंकी ना बोथ ए टाइगर एंड ए मंकी तो हमें इथि हमें जोटा पढ़िबा टोटल पोएम टा बारे देखिया जे टोटल पोएम भीतर से एथि फर्स्ट स्टैंडर्ड कि सेकंड स्टैंडर्ड नो टोटल पोएम रे से कोन हेबा को इच्छा कर छी दुटा जिनस हमरा हेबा को इच्छा कर छी जान पढ़थिले तनो बोथ ए टाइगर एंड ए मंकी ने जान लेके तले ठीक हो त इसे उभय मानकड़ आउ बाघ हेबा को इच्छा कर छ सेकंड क्वेश्चन अछि ए मंकी डैश त चारटा ऑप्शन हम रही छी ए मंकी फ्लाइज इन द स्काई फ्लाइज इन द स्काई अर्थ हो छी आकाश रे उड़े ना डांसेस इन रिवर ना नदी रे नाचे ना स्विम्स इन सी ना समुद्र रे पहरे ना जंप्स फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच ऑफ ए ट्री ना गछरे गोटिए डाल रो आउटे डाल को डिया मारे तो कौन आमे एटु मंकी विषय रे पढ़ीथिले मंकी कौन करे ना सेटा एज यूजुअल तमे समस्ते एटा जानिथिबो एटा पोएम रे भी अछि जंप्स फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच ही एटा दर राइट आंसर हो जेतु मकड़ ए गछरु से गछ बा ए डाळरु से डाळ सब बेले डेइबा के पसंद करे थर्ड क्वेश्चन दे जे टाइगर रोम्स रो अर्थ होची घुरी बोले डैश कोठी घुरी बोले तार ऑप्शन दे छी हम एठी द रिवर द फॉरेस्ट द कॉर्नफील्ड ना द सी बीच हमें जो पढ़ी बाघ कौटी घूरी बुले ना बाघर घर जो बाघर घर हूँ जंगल तेनालीरिखा जो राइट आंसर टाइगर रोम्स द फॉरेस्ट कौटी घूरी बुले ना जंगल घूरी बुले नंबर 4 द चाइल्ड विशेस टू बी ए मंकी पिलाटी गोटे मांकड़ हवा को इच्छा प्रकाश कर टाइगर नहले गोटे बाघ हवा को इच्छा प्रकाश कर बिकज तार कारण देला चार्ट ऑप्शन कहीं से गोटे एत पशु अच्छा से गोटे बाघ आकड़ जीवन को कहीं पसंद कला
ଆଉ ସେଇ ବାଘ ଆଉ ମାଙ୍କଡ ହବାର କାହିଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା? ତାର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, କୋଉ କାରଣଟା ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେ ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ମାଙ୍କଡ ଆଉ ବାଘ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ହବ କି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ହବାକୁ ଯାଇଛି ନା? ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସେଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହାଉସ, ସେମାନେ ବାଘ ଆଉ ମାଙ୍କଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଫ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ଫରେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘର, ଜଙ୍ଗଲ ହଉ ତାଙ୍କର ଘର, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ହବାକୁ ଚାହିଁଛି କି ନା? ଦେ ଗେଟ୍ ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଫ୍ରି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏୟାର ବା ବାୟୁ ଆଉ ୱାଟର ଜଳ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେ ଫ୍ରି ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି କି ନା? ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଦେ ଲିଡ୍ ଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି ଏ ପୋଏମରେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେ ଲିଡ୍ ଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫ, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ ଆଉ ବାଘର ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫ ବା ମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନକୁ କବି ଏଠାରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ସେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଘ ଆଉ ମାଙ୍କଡ ହେବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଏହି କବିତାରେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ସର କି ଲେଖିବା ଦେ ଲିଡ୍ ଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେଣୁ ଆମର ଏକ୍ସ ଡବଲରେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ଏଚ୍ ଡବଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଖାତାରେ କରିଥିଲା ଆମର ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ରେନସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, କମ୍ପ୍ରେନସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଏମସିକ୍ୟୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ଖାତାରେ କରିଥିଲା, ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଆଇଡ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି କୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏଇଟା ଆଉ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇକି ବିଷୟଟି ସାରିବା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ କ୍ଲାସଟିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।